और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पुष्प अर्पित करते हैं जो हम लोग पूजा में फूल अर्पित करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, इस फूल चढ़ाने के क्या क्या लाभ हैं, इसके मायने क्या हैं। पुष्प चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। किसी भी देवता पर कभी भी जमीन पर गिरे हुए या कटे हुए, टूटे हुए, फटे हुए पुष्प नहीं अर्पित करने चाहिए। जो पुष्प गंदे पड़े हुए हों, कहीं मिट्टी में सने हैं या खुद से टूट के गिर गए हैं, उन्हें आपको नहीं भगवान पर अर्पित करना चाहिए। जिन पुष्पों में कीड़े लग जाते हैं वो पुष्प भी देवता की पूजा में ग्राह्य नहीं होते, अर्थात प्रयोग में नहीं लिए जाने चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। दूसरों से मांगे हुए या कहीं से चुराए हुए पुष्प भी भगवान की पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते, अर्थात जो भगवान को शोभा देते हैं वह माला है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं जिन पुष्पों की मालाएं चढ़ाई जाती हैं उनमें कमल अथवा पुंडरीक की माला को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने आराध्य देव के लिए कौन सा पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए और कौन सा पुष्प चढ़ाने से आपको बचना चाहिए। इस विषय में हम लोगों ने पहले भी कई बार चर्चा की है, लेकिन जनता, हमारे जो दर्शक हैं, वो अक्सर हमसे ऐसे प्रश्न करते रहते हैं, तो समय समय पर हम आपको ये जानकारियां और अपडेट करके देते रहते हैं। अब आइए जानते हैं कौन से पुष्प देवी देवताओं को चढ़ाने हैं और कौन से नहीं चढ़ाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी को। गणेश जी की पूजा में आचार भूषण नामक ग्रंथ के अनुसार गणेश जी को तुलसी दल को छोड़कर के सभी प्रकार के पुष्प प्रिय हैं। अब बात कर लेते हैं शंकर भगवान की। वहीं शंकर भगवान के पूजन में मौलश्री के पुष्प, धतूरे के पुष्प, हरश्रृंगार व नागकेसर के सफेद पुष्प, सूखे कमल गट्टे, निर्गुणी एक पुष्प होता है निर्गुणी के पुष्प, कनेर, जपा कुसुम, आग का पुष्प, आग यानी मदार जिसे कहते हैं, कुश आदि के पुष्प चढ़ाने का विशेष महात्म्य मिलता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य नारायण देव की, जो पंचदेव में आते हैं। सूर्य नारायण की आराधना आपको कैसी करनी चाहिए, किन पुष्पों से आप इनकी पूजा करें। इनकी उपासना कुटज के पुष्पों से की जाती है। इसके अलावा कनेर के पुष्प, कमल के पुष्प, चंपा, मौलश्री, पलाश, आक, अशोक आदि के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। इन पर तगर का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। आइए अब बात करते हैं माता भगवती गौरी अर्थात देवी दुर्गा की। शंकर भगवान को चढ़ाए जाने वाले सभी पुष्प माँ भगवती को प्रिय हैं। इसके अलावा अपामार्ग, बेला, मदार, सफेद कमल, पलाश, चंपा, चमेली इत्यादि के पुष्प भी देवी दुर्गा को आप चढ़ा सकते हैं, या दुर्गा का ही स्वरूप जिन्हें पार्वती स्वरूप कहते हैं उनको आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ ग्रंथों में आंख और मदार के पुष्प चढ़ाना मना बताया गया है, वर्जित बताया गया है देवी के पूजा में, अतः अन्य पुष्पों के अभाव में ही इन पुष्पों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा में किन पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात कन्हैया जी को कौन कौन से पुष्प प्रिय हैं, ये अब मैं आपको बताता हूं। अपने प्रिय पुष्पों का उल्लेख महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर से बताया है, उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे कुमुद, ककरी, चणक, मालती, नंदीक, पलाश और वनमाला के पुष्प प्रिय हैं। तो ये हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुष्प जिन्हें उन्होंने स्वयं महाभारत में युधिष्ठिर से वर्णन किया। आइए अब जानते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना में कौन से पुष्प आपको प्रयोग करने चाहिए जिनसे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिले। माँ लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय पुष्प कमल है। भगवान श्री विष्णु की पूजा में कमल, मौलश्री, जूही, कदंब, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, बासंती, चंपा, वैजंती आदि के पुष्प विशेष तौर पर प्रयोग में लिए जाने चाहिए। यही पुष्प हैं जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और इनको यदि कोई साधक, कोई जातक ला करके कहीं से खोज करके भगवान को अर्पित करता है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, तो देवता की कृपा तत्काल उनको मिलती है, क्योंकि आपकी भावना तो है ही है और आपने उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा लेने के लिए, उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उनके प्रिय पदार्थ पुष्प के रूप में आपने अर्पित किए। तो ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे आप अपनी नियमित पूजा को बहुत अच्छे से और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। कुछ ऐसे साधन जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे पुष्प हों जो देवताओं को वर्जित हों और आप अपनी पूजा में प्रयोग कर रहे थे, तो उसको आपको ध्यान रख करके उनको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तो दर्शकों, जो जो फूल पंडित जी ने बताए हैं अगर वो आप अपने आराध्य देव को अर्पित करें तो यकीनन आपकी मनचाही मुराद भी पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।